कीचड़ के ऊपर कीचड़ डालने में वैसे फर्क नहीं पड़ता, बट स्टिल आई एम डूइंग माय बेस्ट। या और कीचड़ के ऊपर भी कीचड़ ही डालेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा आई गेस। या बिल्कुल बिग बॉस, मुझे ऐसा लगता है कि बेबी का जी का पाप का घड़ा इसलिए भर चुका है। आप पहले बोल लो, आप पहले बोल लो, शायद आप अपने पाप सुनना नहीं चाहते क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल सही बोलने वाला है वो जो भी बोलेगा। हाँ आप अपने पहले कंप्लीट कर लो, फिर मैं अपने स्टार्ट करूंगा। हाँ मैं अपने मुंह से चीजें निकालूंगा, आप बीच में अगर बोलना चाहते हो आप बोल सकते हो। कीचड़ के मुंह से कीचड़ निकलेगा बट जाएगा भी कीचड़ पे ही। हाँ बट शायद मैं कीचड़ के ऊपर कीचड़ नहीं, मैं शायद गोबर के ऊपर कीचड़ डाल रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बेबी का जी ने इस घर में काफी नेगेटिविटी फैलाई है, और चाहे मैंने जो चीज वहां पे करी आई अपोलोजाइज बहुत दिल से, बट उनका ये चीज है कि वो बार बार दिल पे चुभाती हैं, वो बार बार दिल पे चुभाती हैं वो चीज जो कि मुझे काफी ज्यादा नेगेटिव लगता है। और मेरे हिसाब से उनके पाप का घड़ा भर के और उनका मटका पहले ही फूट चुका है पाप का, बट और इनको लगता है ऐसे मेरी आवाज दब जाएगी, बट नॉट पॉसिबल बेबी का जी। आप पै 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 करने से कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा आपके पापों पे। शायद आपको अपोलोजाइज करके आपको ठीक रह के वो चीज ठीक हो सकती है, बट पै 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 करके वो चीज ठीक नहीं होगी। मुझे काफी अच्छा लग रहा है, पहले मैं सोच रहा था किसी के ऊपर ना डालूं, बट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि गोबर के ऊपर कीचड़ डालूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पता है फितरत दोहराई जाएगी तो हम क्यों करें माफ। थैंक यू। अभिषेक, ओह माय गॉड, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा बेबी का जी। लाइफ में अपनी गलतियां एक्सेप्ट करता कब है, जॉब करेगा? नहीं गलतियां तो अपनी असलियत एक्सेप्ट की कब है तूने, जॉब करेगा? अपना मुंह ले अभिषेक, माइक हटा दे, माइक। मैं पाप करता ही नहीं बेबी का जी। चेयर पर बैठिए, आपको लगता है मैं पाप करता हूं? अपनी मनहूसियत के लुफ्त उठाइए। ओफ बिग बॉस, मुझे लगता है कि अभिषेक के पाप का घड़ा भर चुका है इस घर में। शुरुआत से गेम के उसने हमेशा ऐसी ही संगत चुनी है जिनके मन में खोट रहा है, कपट रहा है, नीचपन रहा है, क्योंकि उसकी खुद की फितरत भी उसी कैटेगरी की है। और ऊपर से ये इंसान की गई गलतियों को कभी मानता नहीं है, बड़े छोटे की इज्जत करता नहीं है, लड़ाइयाँ शुरू करता है, उसको जीतने का इतना डेस्परेशन है कि अपने मॉरल्स भी साइड में, अपने उसूल भी साइड में फेंक देता है, चीट करेगा, मारपीट करेगा, बदसलूकी करेगा, बदतमीजी करेगा, हर हद तक गिर जाएगा, लेकिन उसे जीतना है। मेरे अंदर का वर्स्ट साइड अगर इस घर में निकला है तो इस बेहुदा इंसान की वजह से निकला है, और मुझे लगता है इसका पाप का घड़ा अब भर चुका है। माइक रख दो बेबी का, माइक में पानी चल रहा है। उसके घर में बहन होकर, माँ होकर भी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है इसकी। बेहुदा घटिया बादिया नीच इंसान, इसका नीचपन दोबारा। बेबी का जी जो जिस लायक होता है उसको वही दिया है हमने इस घर में। अब आप समझिए, जिस लायक थे आप, मैंने भी जहर को जहर से ही मारा है। बेबिका जी, मैंने भी जहर को जहर से ही मारा है। आप समझ ही नहीं पाए, कुछ लोगों का जहर तो मारे नहीं, शायद हमारी गलती थी, हमने फितरत ना बदले, कुछ लोगों ने हमारी गलती थी, हमने कोशिश। जिंदगी में कभी फितरत नहीं बदलने वाली, ऐसे क्या रे तू समझा देगा? फितरत बदलनी नहीं चाहिए, आप लायक ही नहीं है। आप समझिए, आप लायक ही नहीं है। हमारी गलती थी कि हमने सोचा हम आपको समझा सकते हैं, जिनको मिटाया नहीं मिटाया जा सकता। क्या हुआ बड़ी माँ की शुरुआत से असलियत दिखती रही है और वो मरते दम तक। अरे हटाया, फितरत मेरी बात तो हो गई ना, तक दिखेगी मरारे चलना है। अरे आप अपनी फितरत ठीक करिए यार, तुझ जैसे लोग एग्जिस्ट नहीं करते। आप अपने आप को ही ठीक, एग्जिस्ट नहीं करता, तू देखता जा, ये पीस डैमेज है। अरे तू देखता जा, मैं तो देख रहा हूं, आप देखो। अरे अभिषेक, से ही मारूंगी बेटा, जहर को जहर से ही मारूंगी। माइक में से जहर नहीं लगाया जाएगा यार।
तमीज रखिए बेबी का जी। अभिषेक जैन का सिर बहुत दर्द कर रहा था मुझे, उसके लिए चुप हो जाओ, उसके लिए चुप हो जाओ, बदनीयत, इसके लिए चुप हो जाओ प्लीज। पूजा अविनाश जी आइए। अच्छा मुझे लगता है अविनाश जी का पाप का घड़ा भर चुका है, ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मतलब पिछले दिनों से काफी ज्यादा नोटिस कर रहा हूँ, हर चीज में कहीं गलत रास्ते ये ले लेते हैं और उनके लिए ये मतलब कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि मैं गलत रास्ता ले रहा हूँ, फिर भी उन पे खड़े रहते हैं, चीजें गलत करते रहते हैं। इन्होंने अब सिर्फ मेरे रास्ते में कांटा बनने के लिए इन्होंने पूरे घर वालों का राशन हैम्पर कर दिया, उसके बाद भी ही इज लाइक मेरे को ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हम लोग पिकनिक में नहीं आए हैं। ये एक तो गलती करते हैं, ऊपर से सीना जोरी करते हैं, ये आपको उकसाते रहेंगे, पोक करते रहेंगे कि सामने वाला इंसान कुछ ना कुछ बोलता रहे, खुद पोक भी करेंगे और उसके बाद अच्छे भी बन जाएंगे, अपनी जुबान गंदी ना करके दूसरे की जुबान गंदी करवा देंगे और फिर सिंपथी कार्ड प्ले करेंगे, तूने मेरे साथ ये बोला वो बोला। तो मैं देखता गया हूँ कि हाँ इनका पाप का घड़ा अब भर चुका है और हर चीज की कि भाई मेरे को ये बोल दिया, मेरे को वो बोल दिया। अरे ये मुश्किल है भरना यार, मुझे सब समझ आया भाई, ये लेना पड़ेगा हमें, उसकी पूरी कर लेते हैं, इधर बाल्टी डाल देते हैं ना, वो घड़ा भरते हुए दिखाना है भाई। ये तो कोई डेंजर ही कीचड़ है यार, ये तो मस्त वाला कीचड़ है भाई साहब, गया वाइट। अभिषेक माता हेलविश सो एल्विश का पाप का घड़ा मुझे लगता है भर चुका है, क्योंकि कोई भी चीज करने की एक हद होती है, उनकी जबान कंट्रोल उनसे नहीं होती है और वो कल उन्होंने मुझे बोला है कि उनकी लाइफ का ये पैटर्न है, वो ऐसी जबान यूज करते हैं। उनके और मेरे बीच में फगिव पार्ट हो चुका है लेकिन फगेट पार्ट नहीं हुआ है और उन्हें पता है कि इस बात से मुझे दुख है कि उनकी जबान ऐसी है। तो बाकी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मुझे लगता है कि उनके लिंगो, उनकी लैंग्वेज, उनकी भाषा का पाप का घड़ा भर चुका है। हाँ हमको तो मग से करना, वही हम लोग को वही है ना, हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है, कितना भारी हम लोग उठा नहीं पाएंगे। एल्विस हीरो नंबर वन है, अच्छे लग रहे हैं, ज्यादा है भाई ये तो। तो बोलता ना गंगा बोल के चला छोटा नाली में डुबा दिया रे। बेबी का जी प्लीज। Why? मुझे नहीं लगता है मैंने पाप किए या मेरा घड़ा भरा है यहाँ, लगता तो मुझे ऐसा लगता है ना, आपको करना पड़ेगा ना, तो मुझे ऐसा लगता ये टास्क है। आपको लगता होगा, मुझे लगता है आपके खुद के पाप का घड़ा आपने अब तक मुझे भी ऐसा ही लगता। आइए जाइए जाइए, नहीं करना है मुझे, करना तो पड़ेगा, ये टास्क है, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी। ये वाला सिस्टम नया चालू हुआ है क्या भाई? ये मुझे नहीं लगता मैंने, बिग बॉस में बेबिका जी को चूज करना चाहता हूँ बट वो आ नहीं रही है, तो आप बता दो आगे क्या करना। नहीं करती हूँ कि मैंने इस घर में इतने पाप किए हैं या जो मेरे घर घड़े भर जाए। ओ भाई ये क्या है, मतलब क्या है, सारे घर चलते हैं जब टास्क करने ही नहीं, ऐसे तो कोई अपने घर में पाप ही नहीं। आप घर वालों को एक कार्य दिया गया है जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर किसी सदस्य का नाम लिया जाता है तो उसे चेयर पे आके बैठना है, ऑप्शन नहीं है ये आपके लिए। ये कल भी बोलना था बिग बॉस अविनाश जी के लिए कि पाप सुन तो लो क्या कह रहा है, कौन से पाप करे हैं। पहले सफाई देने लग गए,